हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आई होप यू विल बी फाइन। सो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम रिमेनिंग फ्रैक्शंस एंड फ्रेजेस एंड सम यूजफुल स्ट्रक्चर्स ऑफ राइटिंग टास्क वन व्हिच वुड हेल्प टू यू गेट 9 बैंड स्कोर इन योर IELTS एग्जाम। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स watch. So okay guys, there are some fractions and words which we can use in our task for making good structures and we can get good score. So let's watch. The first one is varying your language, like do not repeat same structures like the proportion of, the percentage of. We know that in our task we use the proportion of, the percentage of, and we don't have any other words to use, so it will be repeated. Okay, तो यह है हमारी repetition मानी जाएगी अगर हम बार बार इन words का use करते हैं. So instead of these you can use some other words and fractions like a large number of people, ओवर ए क्वार्टर ऑफ पीपल. लाइक ये हमने उसकी संख्या बताती कि एक क्वार्टर से ज़्यादा लोग, ठीक है. ए स्मॉल माइनॉरिटी, ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल, लेस देन ए फिफ्थ, ठीक है. लाइक दैट वी कैन यूज दीज वर्ड्स. एंड अब हम बात करेंगे कुछ फ्रैक्शंस की, लाइक जो परसेंटेज हैं उन्हें हम फ्रैक्शंस में कैसे बदल सकते हैं, तो आइए देखते हैं. So okay, the first one is 80% and we can write it 4/5. Okay, 75 3/4, 70% 7/10, and 65 2/3, 60% 3/5, and 55% more than half, 50% होता है half, 45% होता है more than 2/5. Okay, and 40% 2/5 and 35% more than a third, 30% less than a third, 25 होता है a quarter, 25 होता है a fifth, 20% होता है less than a fifth, and 15% होता है 1/10, and 10% होता है 1/10, and 5% होता है 1/20. okay, so these are some percentages and we can change them in fractions. So like in the sentence there is 50% and next time you can use it half, so it will change your structure. Okay, so move on the next fractions. So okay guys, sometimes we have some words like 77, so inka hum exactly fractions nahi bata sakte, like jaise 1/10 10% ka hota hai, to jab unse upar ho, लाइक जो संख्या थोड़ी बहुत कम हो या ऊपर हो, तो हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं. लाइक 77% है तो ये क्या है, जस्ट ओवर 3/4. ओके, एंड 77 इसको हम अप्रोक्सीमेटली 3/4 भी लिख सकते हैं कि लगभग 3/4 है. ओके, एंड 49% जस्ट अंडर ए हाफ, एंड नियरली ए हाफ भी लिख सकते हैं, ठीक है. 32% को लिख सकते हैं ऑलमोस्ट ए थर्ड. इस तरह से आप लाइक परसेंटेज को चेंज कर सकते हैं. आपने जैसे पहले 32 यूज़ कर लिया सेंटेंस में, नेक्स्ट टाइम अगर आप इसे यूज़ करोगे इस वर्ड लाइक इस परसेंटेज को, तो आप लिख सकते हो ऑलमोस्ट ए थर्ड परसेंट पीपल लाइक डू लाइक दैट. ओके, सो देखते हैं आगे. सो लाइक जैसे परसेंटेज, प्रपोर्शन, नंबर, अमाउंट, मेजोरिटी, माइनॉरिटी, तो आप इन्हें कैसे लिख सकते हैं, ठीक है. देर आर सम वर्ड्स लाइक 75% टू 85%, ठीक है. तो ये क्या है, हमारे हाईएस्ट नंबर, तो आप इन्हें क्या लिख सकते हैं, ए वेरी लार्ज मेजोरिटी, ठीक है, कि जो लोगों की संख्या थी वो क्या थी, ए वेरी लार्ज मेजोरिटी. ये आप अपने ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, अगर ना भी लिखोगे तो ये वर्ड यूज कर सकते हो आप द हाईएस्ट प्रोपोर्शन के लिए. 65 to 75% ए सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, ठीक है,
लाइक 75 से नीचे नीचे हो तो आप सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन लिख सकते हो, इससे अबव हो तो ए वेरी लार्ज मेजोरिटी लिख सकते हो, 10 to 15% हो तो ए माइनॉरिटी, ठीक है, ये एक माइनर माना जाता है, 5% हो तो ए वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है, ये क्या है, एक छोटा नंबर है, ठीक है। एंड सो मूव ऑन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ओके। सो यूजिंग सिंपल कंपेरिजन, वी कैन यूज कंपेरिजन इन अवर सेंटेंसेज, ठीक है, अगर हम कंपेरिजन करते हैं तभी ही हमें हमारे मार्क्स मिलते हैं, लाइक प्रॉपर मार्किंग कंपेरिजन पर भी पर ही होती है, टास्क जब देते हैं उस पर भी लिखा होता है, यूज कंपेरिजन एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना हमें कंपेरिजन करना होता है, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से वर्ड है कंपेयर्ड करने के लिए, यू कैन यूज कंपेयर टू, कंपेयर्ड विद, इन कंपेरिजन टू एंड इन कंपेरिजन विद, ठीक है, ये चार वर्ड्स हैं, आप इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं देखते हैं इसके एग्जाम्पल में। प्राइसेस इन द यूके आर हाई, कंपेयर टू या कंपेयर विद या इन कंपेरिजन विद प्राइसेस इन कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो प्राइसेस थे यूके में हाई थे किसके कंपेरिजन में, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे आप यूज कर सकते हो, जैसे ही आपको क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है उन्हें उन्हीं के स्ट्रक्चर बना के, ठीक है, ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, ये भी आपका एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट इज वाइल एंड वेरस, तो आप इन टू वर्ड्स का यूज भी कर सकते हो अपने टास्क में, वाइल आपको पता ही है जब हम जैसे एक तरफ बात की तो दूसरी ओर बात करने के लिए, लाइक देर आर 5 मिलियन स्मोकर्स इन द यूके, ठीक है, यूके में तो 5 मिलियन स्मोकर थे, वाइल वेरे जबकि, इनका मतलब क्या होता है, जबकि ओनली 2 मिलियन कैनेडियंस एंड 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन स्मोक, जो क्या है कि 2 मिलियन और 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन ही स्मोक करते थे, लेकिन यूके में कितने थे, 5 मिलियन स्मोकर्स, ठीक है, तो ये भी हमारा एक अच्छा सा वेरिएशन बन गया है, ठीक है। सो मूव ऑन द नेक्स्ट वेरिएशन, द लैंग्वेज फॉर कंपेयरिंग, तो कंपेयर करने के लिए और कौन सी लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं, लाइक द चार्ट कंपेयर्स, ये आप चार्ट की शुरुआत में लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ, ठीक है, लाइक दैट द चार्ट कंपेयर्स, यहाँ पे कोई जो आपका क्वेश्चन होगा उसे लिख देना है, फिर आ जाएगा किसके संदर्भ में, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल या किसके गाड़ी के नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे आपने अपना इंटर लिखना, इज बाय फार द मोस्ट या कुछ भी किसी की संख्या है, इज बाय फार द मोस्ट या और हैज बाय फार द हाईएस्ट नंबर ऑफ, ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड्स होते हैं, हाईएस्ट, हायर, मोस्ट, मोस्ट मोर, लाइक दैट, ठीक है। द फिगर्स फॉर, यहाँ पे किसी के लिए लाइक ऑयल, द फिगर्स फॉर ऑयल टेंड टू बी फेयरली सिमिलर, ठीक है, जो उसके थे फिगर्स थे वो क्या थे, सिमिलर थे, लाइक दैट यू कैन यूज इट। इन सेकेंड प्लेस ऑन द चार्ट इज, ठीक है, ये किसके लिए यूज करते हैं ये फ्रेज, फॉर सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है, कुछ कॉम्पिटिशन के लिए, लाइक द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या द परसेंटेज ऑफ पीपल वोज इन इंडिया वो ऑन सेकेंड प्लेस, लाइक दैट यू कैन यूज इट, ठीक है, कुछ कंपटीशन की जगह पर आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इन सेकंड प्लेस ऑन द चार्ट इज, ठीक है। द नंबर ऑफ किसी क्या भी संख्या हो सकती है, इज स्लाइटली हायर देन, किससे ज्यादा था, ठीक है, यहाँ पे तो लाइक अगर हम बात करें द नंबर ऑफ कार्स, द नंबर ऑफ कार्स, द नंबर ऑफ कार इज स्लाइटली हायर देन बस, ओके, लाइक दैट यू कैन राइट। ओनली 4 अदर कंट्रीज हैव, आगे कुछ भी जो आपका क्वेश्चन उसे लिख सकते हो, आगे ऑल विद सिमिलर प्रपोर्शन ऑफ, ठीक है, भी किसी चीज के प्रपोर्शन हो, या यहाँ पे नेम आ जाएंगे लाइक दैट, या ऑल विद सिमिलर प्रपोर्शन ऑफ, आगे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, जो भी आपने आंसर राइट करना है। इज द ओनली कंट्री विद, कुछ भी यहाँ पे आ जाएगा लाइक किसी का भी नाम आ सकता है, इज द ओनली कंट्री, ठीक है, लाइक ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली कंट्री विद ए नोटिस एबली हायर प्रपोर्शन ऑफ ऑयल या कोल या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इनमें फिल करके एक अच्छा सा सेंटेंस बना सकते हो।
सो देखते हैं सम अदर वर्ड्स विच यू कैन यूज इन योर राइटिंग टास्क फर्स्ट, हाउ एवर यूज कर सकते हो आप, लाइक एक साइड की बात की तो इन कॉन्ट्रास्ट में आपने बात करनी हो तो हाउ एवर लगा सकते हो, इन कॉन्ट्रास्ट लगा सकते हो, ऑन द अदर हैंड लिख सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो यूज सम ऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लाइक वेयर एज वाइल, ये आप इन द मिडल में यूज कर सकते हो और शुरुआत में भी, वाइल एंड वेयर इज ये आप स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो और बीच में भी, लाइक कॉमा लगाकर वेयर एज वाइल दैट इज इट लाइक दैट. ओके, ऑल दो यूज कर सकते हो आप इसमें फर्स्ट टास्क में, सो इट विल ऑल्सो मेक सम अदर लाइक न्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड सम अदर वर्ड्स विच यू कैन यूज लाइक मोर फार लेस देन एज ए लाइक एज इसकी जैसा था एज ऐसा था. ठीक है, लाइक ट्वाइस एज मच एज थ्री टाइम्स मोर देन स्लाइटली मोर द सेम, यहाँ पे कुछ आ जाएगा लाइक एज. ठीक है, सो दीज आर सम यूजफुल फ्रेजर्स वर्ड्स एंड सम स्ट्रक्चर्स विच यू कैन यूज इन यूर टास्क. ओके, इट विल डेफिनेटली इन्हांस योर बैंड स्कोर. ठीक है, तो आपने इन्हें जरूर ही यूज करना है अपने टास्क में, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप यू विल गेट गुड बैंड स्कोर इन योर राइटिंग टास्क फर्स्ट. सो ओके गाइज, आई होप आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे आपको सभी स्ट्रक्चर. अगर नहीं समझ आए तो प्लीज़ यू कैन वॉच इट अगेन सो यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली. सो थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट हिट द नोटिफिकेशन बटन सो इफ आई अपलोड एनी वीडियो यू कैन वॉच इट. ओके गाइज, थैंक यू.